जिंदगी एक खेल है, इसे खेलो। जिंदगी एक गाना है, इसे गाओ। बस मेरी माँ ही एक थी जिसे मुझ में स्टार नजर आता था। मुझे मेरे स्कूल का प्ले आज भी याद है, जब मैं एक पेड़ बना था। डायलॉग्स भी नहीं थे मेरे, फिर भी मेरी माँ को मेरा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगता था। इनफैक्ट उन्हें तो मैं स्कूल का सबसे गुड लुकिंग बच्चा लगा था। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, लेकिन जब माँ हमें छोड़ के चली गई तो मैंने उनकी नज़र से खुद को देखना शुरू किया। धीरे 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 उनकी उम्मीद मेरा भरोसा बनती चली गई और मैं सपने को सच करने के लिए निकल। मैं जब भी बड़े पर्दे पर बड़े बड़े स्टार्स को देखता था तो हमेशा सोचा करता था कि इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। हर बार खुद से सवाल पूछता था, और यही सवाल लेकर मैं यहाँ मुंबई चला आया कि ये सोच के कि इस पर्दे को सिर्फ मेरी तलाश है। जब यहाँ आया तो पता चला कि जितनी एक्टिंग पर्दे पर होती है उससे ज्यादा एक्टिंग तो टीवी के पर्दे के पीछे होती है। मैं जगह जगह गया, हर जगह गया, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर सबके पास गया। कहा कि सर मैंने ट्रेनिंग ली है, सर मैं स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, सर मुझे काम आता है, एक चांस दीजिए सर। ओके, टेक माय मेल आईडी, मेल कर, विल सी टू इट। कभी किसी मेल का रिप्लाई नहीं आया, कभी किसी चीज का जवाब नहीं। मेरे मैसेज देख कर भी सीन हो के भी अनसीन कर दिए जाते थे, और एक के बाद एक निराशा निराशा। लेकिन मुझे लड़ाई जीतनी किसी और के लिए नहीं, लेकिन खुद सिर्फ मेरे लिए। मुझे